नमस्कार, मैं लक्ष्य आर्य और आज की खबर में हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड कप 2019 के पहले सेमीफाइनल्स के मुकाबले के ऊपर जो होने जा रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच 9 जुलाई को। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि रोहित शर्मा बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, उन्हें हिटमैन से नाम से जाना गया है, और वहीं दूसरी तरफ केन विलियमसन भी बहुत अच्छी फॉर्म में है। तो ग्राउंड क्या कहती है, क्या आंकड़े कहते हैं, इसको विस्तार से जानने के लिए हम अपने सहयोगी के पास चलेंगे। हाँ तो रोहित जी, आप बताइए, क्या आपकी इस चीज़ पे क्या प्रतिक्रिया है? भारत और न्यूजीलैंड का मैच कैसा होगा, क्या रहेंगे, क्या इस ग्राउंड पे क्या कैसे रिकॉर्ड्स हैं? जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि भारत कई बार न्यूजीलैंड से हारा है और ज़्यादातर हार ही है, तो इस चीज़ पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस वर्ल्ड कप में एक मुकाबला होने वाला था, लेकिन जो बारिश की वजह से नहीं हो पाया। और शायद इसका एक फ़ायदा न्यूजीलैंड को भी मिला कि अगर वो मैच अगर शायद वो हार जाते तो न्यूजीलैंड की टीम शायद क्वालिफाई नहीं कर पाती, लेकिन वो मैच जो ड्रॉ हुआ उसका एक एक पॉइंट दोनों ही टीमों को मिला है, और शायद इसी वजह से न्यूजीलैंड की टीम क्वालिफाई कर पाई। बाकी भारतीय टीम बेशक एक मैच हारी है, लेकिन आसानी से क्वालिफाई भी करा। और रोहित जी, आप ये कह रहे हैं कि जो पहला मैच इंडिया और न्यूजीलैंड का रद्द हुआ उसका फ़ायदा न्यूजीलैंड को मिला है? उसका फ़ायदा मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड को ज़्यादा मिला है, क्योंकि भारतीय टीम तो अपने लगभग सारे मैच जीती है, बस एक इंग्लैंड से छोड़ के देखा जाए तो, और इंडिया का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है। बाकी देखा जाए तो भारतीय बल्लेबाज चाहे विराट कोहली हो चाहे रोहित शर्मा हो, जो ऊपरी बल्लेबाज हैं, जो स्टार्टिंग रोहित जी, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे विराट कोहली से वर्ल्ड कप से पहले से ही हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, उन्हें 5 अर्धशतक भी लगाए, उस समय बहुत खुशी हुई, लेकिन उनके फैंस को उन्हें 1 शतक का इंतजार है, वो शतक सबसे बड़ी चीज़ यही देखी जाएगी, क्योंकि विराट कोहली का अभी तक ये देखा गया है कि इंग्लैंड में उनका अच्छा खासा रिकॉर्ड इतना नहीं रहा है, क्योंकि इंग्लैंड में उन्होंने मात्र 1 ही शतक मारा है। तो अब बेशक उन्होंने 5 अर्धशतक मारे हैं, लेकिन शतक उनके बल्ले से निकला नहीं है। अब देखो, ये देखना होगा कि सेमीफाइनल में क्या उनके बल्ले से शतक निकलता है, या एक बार फिर से रोहित शर्मा वो कारनामा कर लेते हैं, क्योंकि और इस वर्ल्ड कप में वो 5 शतक ऑलरेडी लगा चुके हैं। और रोहित जी, हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस मैच में टॉस मैटर करेगा? हमने ये देखा है कि जो पहले बल्लेबाजी करता है, और हालांकि इस वर्ल्ड कप में हमने ये देखा है कि जो पहले बल्लेबाजी करता है वो उसकी जीत होती है हमेशा, मोस्टली मैचेस वो जीतती है वो टीम, तो इस चीज़ पर आपका क्या कहना है? जी हाँ, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इस वर्ल्ड कप में हर मैच में लगभग ये देखने को मिला है कि जो टीम भी टॉस जीती है उसने पहले बल्लेबाजी ही लिया, बेशक टॉस जीत के और अच्छा खासा स्कोर खड़ा किया है, और मोस्टली वही टीम जीती है। लेकिन इस बात पर हम ये नहीं कह सकते कि अगर इस मैच में कोई टीम टॉस हारती है तो मैच हार जाएगी, क्योंकि सभी टीम जो बची 4 टीमें हैं वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए ही खेल रही हैं, तो आखिरी दम तक दोनों टीमें लड़ेंगी फाइनल के लिए। तो रोहित जी, एक चीज़ और हमें बताइए आप कि जैसे केदार जाधव और विजय शंकर को बाहर किया, तो आपको क्या लगता है ये जो ट्रांसफॉर्मेंसी हुई है जो दिनेश कार्तिक को अंदर लिया है उन्होंने, तो इसका फायदा सेमीफाइनल्स में मिलेगा इंडिया को या नहीं मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये मेरे ख्याल से रिस्क लिया है सबसे बड़ा रवि शास्त्री जी ने, कि दिनेश कार्तिक को अंदर करके और विजय शंकर और केदार जाधव को बिठा के, ये आपको क्या लगता है कि इससे फायदा होने वाला है सेमीफाइनल्स में या नुकसान होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि विजय शंकर जो है वो चोट की वजह से टीम से बाहर हुए हैं, बाकी अभी देखने वाली चीज़ है, क्योंकि इंडिया को 4th नंबर पर अभी तक भी कोई सही बल्लेबाज या सही खिलाड़ी नहीं मिल पाया है। चाहे आप ऋषभ पंत को देख लीजिए, उन्होंने एक मैच में अभी 48 रन मारे थे, लेकिन वो उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे। दिनेश कार्तिक को भी उतना ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया, ना ही केदार जाधव को। तो 4th नंबर के लिए इनको ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो आगे भी टीम के लिए अच्छा खासा खेल सके। और रोहित जी, हम एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि जो कुलदीप यादव को बाहर किया है, कुलदीप यादव कंसिस्टेंसली अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, काफ़ी विकेट्स उन्होंने लिए, तो आपका इस बारे में क्या कहना क्या है कि हम एक ही स्पिनर के साथ खेल रहे हैं युजवेंद्र चहल, तो कुलदीप यादव को ना रखना, इसका खामियाजा हमें सेमीफाइनल में भुगतना पड़ेगा या नहीं? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आपने शायद पिछला मैच देखा होगा कि रविंद्र जडेजा ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, और जहाँ तक मुझे लगता है शायद टीम मैनेजमेंट अगले मैच में कुलदीप यादव की जगह शायद रविंद्र जडेजा और युजवेंद्र चहल को साथ में खिला सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में युजवेंद्र चहल को बैठाया गया था और उनकी जगह पर कुलदीप यादव को खिलाया गया था,
और रविंद्र जडेजा ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी और रविंद्र जडेजा काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। रोहित जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि केएल राहुल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि केएल राहुल शिखर धवन वाली पारी नहीं खेल पा रहे हैं। अभी पिछले मैच में उन्होंने 111 रन तो बनाए हमने ये देखा, लेकिन उससे पहले के मैचेस आपको उठा के देंगे तो उन्होंने कुछ खास करके नहीं दिखाया। तो क्या क्या केएल राहुल न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या मार पाएंगे रन्स वगैरह, या इसमें भी ऐसे ही रह जाएंगे जैसे, क्योंकि पिछला मैच श्रीलंका के साथ था, श्रीलंका और एक न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड 5 मैच जीत के आई है, श्रीलंका 2-3 पॉइंट के साथ वो रह गई है। तो क्या कहना चाहेंगे आप केएल राहुल के बारे में? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि केएल राहुल ने भी पिछले मैच में जिस तरह से बल्लेबाजी की, उन्होंने काफ़ी अच्छे शॉट्स खेले और उनके अंदर का कॉन्फिडेंस जागा है। सबसे पहले अगर उससे पहले के जो दो मुकाबले देखा जाए तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता कि वो उस तरह की बल्लेबाजी करें, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने जिस तरह से सेंचुरी लगाई थी और मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से बल्लेबाजी की थी और उन्होंने ये प्रूव किया था कि क्यों उन्हें शिखर धवन की जगह पर लिया गया है। अच्छा, मैं आपसे रोहित जी एक सवाल पूछूंगा, आप हमारे हिटमैन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, रोहित जिसे कहते हैं, उनसे जैसा कि हमें पता है पूरे उनके फैंस ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को सेमीफाइनल्स में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम करने के लिए उन पर विश्वास जताया हुआ है और उन पर भरोसा है उनके फैंस को ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को उन भरोसा है कि इस बार भी वो शतक लगाएंगे इस मैच में। तो आपको आप हिटमैन के बारे में क्या कहना चाहेंगे इसमें रोहित? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें भी वही उम्मीद है कि रोहित शर्मा इस मैच में भी शतक मारे, क्योंकि वो इस मैच में सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं जो उन्होंने 2003 में एक विश्व कप में सबसे अधिक रन मारे थे, 673 रन। वहीं वो उनका रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं 2007 में जो मैथ्यू हेडन ने बनाए थे, 659 रन। तो अब देखने वाली बात ये होगी। हाँ, लेकिन हमें एक बात और ध्यान रखनी होगी कि रोहित शर्मा भी उस फ्लो में बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन एक बल्लेबाज और है जो उनके ठीक पीछे चल रहा है। हालांकि उनका मैच नहीं है अभी, उनका दूसरा सेमीफाइनल में है, उसका नाम है डेविड वार्नर, वो उनसे मात्र 9 रन पीछे हैं। लेकिन जिस तरह से रोहित शर्मा की बल्लेबाजी रही है इस वर्ल्ड कप में देखने को मिली है, तो उम्मीद तो यही रहेगी हमें भी कि वो शतक मारे और सचिन का रिकॉर्ड तोड़े। एक भारतीय ही सचिन का रिकॉर्ड तोड़े तो उनके फैंस के लिए और अच्छी बात होगी, और सबसे अच्छी बात ये होगी कि सचिन भी खुश होंगे, वो भी चाहेंगे कि कोई भारतीय बल्लेबाजी उनका रिकॉर्ड तोड़े। और हम अब पूछना चाहेंगे मिडिल ऑर्डर्स के बारे में रोहित जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने पहले के मुकाबले भी उठा के देखे हैं तो मिडिल ऑर्डर्स ने कुछ खास करके नहीं दिखाया। तो अब रिप्लेसमेंट जैसे हुई है टीम में, जैसे विजय शंकर और वीके दास यादव को बाहर बिठा के दिनेश कार्तिक जी को अंदर लाए हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है कि मतलब ये हमारी उम्मीदों पर खड़े उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे इस मैच में फ़ायदा होने वाला है सेमीफाइनल्स में इनको रिप्लेसमेंट को, या नहीं होगा, मतलब केदार यादव और विजय शंकर को बाहर बिठा के? तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे, प्लीज़, इसको मैं ही नहीं जानना चाहूँगा और पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि मिडिल ऑर्डर की समस्या तो टीम में रही है वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही, और सिर्फ वर्ल्ड कप के साथ भी रही है क्योंकि इंडिया को इतना ज़्यादा, लेकिन वो समस्या इस वजह से नहीं दिखी है क्योंकि शुरुआत के 3 बल्लेबाजों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है भारतीय टीम को, लेकिन मिडिल ऑर्डर में थोड़ी प्रॉब्लम रही है। लेकिन MS धोनी और हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाजों ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है, तो लगता है कि उतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी भारतीय टीम को। चलो, ये तो बात हो गई सर बैटिंग की, अब हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी बॉलिंग के ऊपर भी ध्यान दे लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बुमराह तो हमारे मेन बॉलर हैं ही, और वो एक डिफेंडिव बॉलर हैं हमारी इंडियन टीम के, और वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद शमी ने 3 मैचों में 13 विकेट ले लिए हैं जो, और एक उन्होंने हैट्रिक भी जमाई है अफगानिस्तान के खिलाफ और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। तो मोहम्मद शमी से हमें उम्मीद करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा मुकाबला है सर, तो इसलिए हम आपसे जानना चाहेंगे इस बारे में, और मैं ही नहीं तो हमारे दर्शक भी। देखिए, अब ये टीम मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि वो सेमीफाइनल मैच में शमी को मौका देते हैं या नहीं, या हो भी सकता है कि वो तीनों पेस बॉलरों को मौका दें कि तीनों खेलें, क्योंकि पिच में मतलब थोड़ी स्विंग देखने को तो ज़रूर मिलेगी। तो अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि वो मोहम्मद शमी को मौका देते हैं या नहीं। लेकिन बात करें अगर बॉलर्स की, तो
बेशक कि उन्होंने 3 मैचों में 13 विकेट लिए हैं, लेकिन देखा जाए तो बुमराह ने सबसे किफायती बॉलिंग की है पूरे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। जब भी तो मैंने उन्हें कहा डिफेंडिव बॉलर है, जब भी तो मैंने उनका नाम लिया डिफेंडिव बॉलर है वो इंडियन टीम के, बूम बूम बुमराह जी से कहते हैं, तो मतलब बुमराह से तो हमें उम्मीदें हैं ही, वो तो डिफेंडिव बॉलर करेंगे ही। और स्पिनर में अगर हम देखा जाए तो कुलदीप यादव को अगर चांस मिलता है तो कुलदीप यादव कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप थोड़ा बताएंगे? देखिए मेरे हिसाब से तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कुलदीप यादव को शायद चांस मिले, उनकी जगह हो सकता है युजवेंद्र चहल को चांस मिले और रविंद्र जडेजा को चांस मिले। रविंद्र जडेजा के पास एक बेनिफिट ये भी है कि वो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, तो अब ये टीम मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि वो कुलदीप यादव को खिलाएंगे या फिर युजवेंद्र चहल को खिलाते हैं। चलो रोहित जी, इस तमाम जानकारी लिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो मैच देखने के बाद ही पता चले आए कि सो फाइनल का टिकट कटता है और कौन अपने वतन वापसी जाता है। तो स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की हर बड़ी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।